15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हो या 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की धूम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी उनकी पीले रंग की पगड़ी चर्चा का विषय बनी गई। कहा जा रहा है कि उनकी पगड़ी भगवान राम को समर्पित है। गौरतलब है कि ये सोमवार यानी 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुआ है। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले ही पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, यहां उनकी पोशाक की पहली झलक मिली है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों रहे। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी की पोशाक की पसंद बहुत ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि पीएम मोदी को ऐसे कार्यक्रमों के दौरान पारंपरिक पोशाक पहने देखा जाता है। वास्तव में प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों की अपनी यात्राओं के दौरान अक्सर उनके और उनकी संस्कृति के प्रति अपना सम्मान दिखाने के प्रयासों में किसी विशेष जनजाति या क्षेत्र का एक तत्व पहनते हैं। बता दें, इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एंट्री भी खास रही। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में पारंपरिक बग्घी में बैठकर पहुंची। 1984 के बाद पहली बार राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर इस बग्घी की सवारी की है। समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ पहुंचे। पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस पर इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया और 1954 तक ये परंपरा जारी रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसकी जगह हाई सिक्योरिटी कवर वाली कार इस्तेमाल होने लगी। इसी के साथ गूगल सर्च इंजन ने भी भारत के गणतंत्र दिवस को स्पेशल बनाने के लिए डूडल बनाकर देशवासियों को बधाई दी है। गूगल ने अपने गूगल डूडल में दशकों के दौरान रिपब्लिक डे परेड के विकास को दिखाया। इस डूडल में रिपब्लिक डे परेड को अलग अलग स्क्रीन दिखाई गई है। गूगल ने सबसे पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट, फिर कलरफुल टीवी सेट और आखिर में एक मोबाइल दिखाया। इसमें दिखाया गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड कई दशकों में इन स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगी। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश की अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए मधुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।